নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে নেমেছে বিভিন্ন সংগঠন। এবার সিএএ নিয়ে প্রতিবাদে স্বরূপ এমএম ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এবং সাংবাদিক সম্মেলনে সিএএ নিয়ে রাজ্য সরকারের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন উপস্থিত সদস্যরা। সংগঠনের সভাপতি নাসির আহমেদ জানান, রাজ্য সরকারের সিএএ নিয়ে প্রথমে বিরোধিতা করলে এখন সিএএকে সমর্থন করেছেন যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপস্থিত সদস্যরা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জায়রাত ভট্টাচার্য, প্রফেসর সৌম্য শাহিন, জয়েন্ট ফোরাম এগেনস্ট এনআরসি অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রফেসর রবিউল ইসলাম, আয়ুব লোধি, নেহাল কায়সার ও ইরশাদ গৌহার, দীপালী ভট্টাচার্য ও চঞ্চল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। हमारी जिम्मेदारी है आवाज उठाना, बोलना, लोगों तक के शऊर पैदा करना। अब बाकी वो उसके ऊपर में उसको मानते हैं या नहीं, ये लोगों का अपना फैसला है। हम कोई जबरी कानून के तहत हम नहीं ये कर सकते। हम तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये बताने के लिए बहुत सारे पंपलेट हम लोगों ने छोड़ा है, लोगों को तकरीर अलग अलग जगह जा करके तकरीर कर रहे हैं। ये एनआरसी ये हम लोगों के लिए, हम लोग क्या बोलेंगे? जो बड़े बड़े वुकला हैं, जो बाकी जो दानिश्वरान हैं, उन लोगों ने कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। आप अमेरिका में देखिएगा, अगर अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने के लिए कोई मुसलमान, कोई जीव, कोई क्रिश्चियन या कोई किसी सरदार को नहीं देखा जाता, सबों को ग्रीन कार्ड मिलता है। ये आखिर ये तनाजा या ये तफरीक यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है? हमको जब शहरियत देने की बात आती है तो कहते हैं मुसलमान पीछे जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लोकसभा में जो आइन पास हो गया और प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, वो तो आइन बन गया। उसको हम उसी वक्त बातिल कर सकते हैं जब फिर से लोकसभा में उसके खिलाफ कोई बिल ला करके उसको कैंसिल करें। दूसरी बात जो आपने कही उसको लागू इतना कलाऊ करने का, तो यहाँ पर बात है कि आप आइन तो लोकसभा में बंद बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो मिशनरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इस वजह से जैसे केरला गवर्नमेंट ने ऑलरेडी असेंबली में रेजोल्यूशन दे दिया है कि हम सीएए को लागू नहीं करेंगे, हम एनआरसी पर काम नहीं करेंगे। इसी तरह से ममता बनर्जी अगर चाहे तो यहाँ काम नहीं करने देंगे। लेकिन हम लोगों ने तो कुछ उल्टा देखा है कि सॉल्ट लेक में और बंगाल में डिटेंशन कैंप बना रही थी, वहां पर डिटेंशन कैंप बना रही थी, मुंह से कह रही है कि लागू नहीं करने देंगे। मुंह से क्या बोलती है?